काफी टाइम से मुझे कमेंट्स आ रहे थे इंस्टाग्राम के ऊपर कि सर गूगल कंसोल के साथ कैसे ब्लॉगर को कनेक्ट कर सकते हैं और गूगल कंसोल की कौन सी वो सेटिंग है जो हमें करनी चाहिए। सो गाइस, मेरा नाम है राज वल्तारा, आप हो वल्तारा एक्सप्लेन चैनल के ऊपर। अगर चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन के ऊपर क्लिक जरूर करना। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कैसे आप गूगल कंसोल की कंप्लीट सेटिंग करते हो, ब्लॉगर को उससे कैसे कनेक्ट करते हैं, पूरी इंफॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। सो अगर आप मूवीज वेबसाइट क्रिएट करते हो या टूल वेबसाइट क्रिएट करते हो, वो कैसे कनेक्ट करते हैं, उसकी भी पूरी इंफॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर मैं कवर करने वाला हूं। तो आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना है, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट इट। ओके, सो गाइस, आप ब्लॉगर के डैशबोर्ड में आ जाओगे सबसे पहले, और यहां पर आपको सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है। ओके, अब यहां से हम नीचे आएंगे और यहां पर गूगल कंसोल का ये आपको ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो आप डायरेक्टली गूगल कंसोल के वेबसाइट के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाओगे, ठीक है? ओके, सो गाइस, मेरा जो डैशबोर्ड है वो कुछ इस तरह से शो हो रहा है, आपका ऐसे नहीं होगा, ठीक है? मेरा ऑलरेडी क्रिएट है, इसके लिए इस टाइप का यहां पर शो कर रहा है। आपको कैसे दिखेगा वो मैं अब यहां पर आपको बताने वाला हूं। ओके, सो गाइस, आपके सामने कुछ ये वाला पेज आएगा। सबसे पहले तो एक साइड में यहां पर डोमेन लिखा है और एक साइड में यहां पर यूआरएल लिखा है। अब ये दो जो ऑप्शन है वो क्या है, सबसे पहले आपको ये समझना है। जहां पर डोमेन लिखा है यहां पर आप डोमेन को वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है? और जहां पर यूआरएल लिखा है वहां पर आपको आपके ब्लॉग वेबसाइट का कंप्लीट यूआरएल यहां पर ऐड करके उसे वेरीफाई करना है। अब दो ऑप्शन है, अब इन्हें हम क्यों यूज करते हैं वो आपको सबसे पहले समझना है। गूगल कंसोल के अंदर आप क्यों अपने वेबसाइट को ऐड करते हैं पूरे डिटेल्स में बताया था। अगर आप जब तक गूगल कंसोल के अंदर आपके वेबसाइट का यूआरएल इंडेक्स नहीं करोगे तब तक गाइस गूगल को नहीं पता चलेगा कि आपकी वेबसाइट गूगल के ऊपर बनी है या नहीं। जब आपका यूआरएल इंडेक्स होता है तब गूगल के स्पाइडर वहां पर आते हैं और पूरी की पूरी वेबसाइट को स्क्रॉल करते हैं, अदरवाइज गूगल को नहीं पता चलता कि आपने गूगल के ऊपर वेबसाइट क्रिएट की है या नहीं की है। ब्लॉगर का यहां पर आके इंडेक्स करना होता है, पर वर्डप्रेस का वैसे नहीं है। वर्डप्रेस के अलग अलग प्लगइन्स होते हैं, ठीक है? वहां से डायरेक्टली आप उसे इंडेक्स कर सकते हो। तो ये जो वीडियो है ये स्पेशली ब्लॉगर के लिए है, ठीक है? तो अब यहां पर मैंने क्या बोला था, डोमेन नेम और यूआरएल। देखो, डोमेन नेम सबसे बेस्ट है टूल वेबसाइट के लिए, क्योंकि ब्लॉगर के ऊपर जब आप टूल वेबसाइट क्रिएट करते हो तब वहां पर आपको डोमेन को गूगल कंसोल के साथ वेरीफाई करना होता है। क्योंकि अगर आप यहां पर, मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं, सेटिंग के ऊपर जाता हूं मैं, और यहां पर आप देख सकते हो अगर मैंने ये HTML का कोड यहां से कॉपी किया और डायरेक्टली मेरे वेबसाइट के ऊपर जाके मैंने लगाया तो वो वेरीफाई नहीं होगा टूल वेबसाइट, क्योंकि गाइस टूल वेबसाइट आप ओल्ड वर्जन के अंदर इंस्टॉल करते हो, डायरेक्ट थीम के अंदर इंस्टॉल नहीं करते हो, ठीक है? तो वहां पर वो वेरीफाई नहीं होगा। इसके लिए मैं आपको कह रहा हूं कि कभी भी आप टूल वेबसाइट को अगर वेरीफाई करना चाहते हो गूगल कंसोल के साथ, तो गाइज आपको सिंपल डोमेन नेम से वेरीफाई कर लेना है। अगर आपका डोमेन नेम वेरीफाई हो जाता है तब आपकी टूल वेबसाइट रैंक 100% करेगी, ठीक है? तो ये डोमेन नेम से कैसे वेरीफाई करना है इसके ऊपर मैं एक वीडियो जरूर लेके आऊंगा, अगर आपने मुझे कमेंट किया तो, ठीक है? अब बात करेंगे जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है उसकी। हर एक बंदा यहां से वेरीफाई कराता है अपने ब्लॉगर वेबसाइट को। अब वो कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको जाना है आपके ब्लॉग वेबसाइट के ऊपर, ठीक है? और यहां से आपका यूआरएल कॉपी करना है और सीधा आना है आपको इस पेज के ऊपर, यहां पर उसे पेस्ट कर देना है। तो ये हो गया मेरा कंप्लीट यूआरएल, ठीक है? अगर यहां पर मैंने www हटा दिया और इतना ही रखा तो ये हो गया मेरा डोमेन नेम, ठीक है? तो दोनों में ये फर्क है। तो मैं यहां पर
URL ऐड कर लेता हूं और यहां पर कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करूंगा। तो मेरा बाय डिफॉल्ट ये ऑलरेडी वेरीफाई है, इसके लिए मेरा यहां पर वेरीफाई दिखाएगा, पर आपका कैसे दिखेगा वो मैं आपको यहां पर समझाता हूं। तो मैं इसे डन करता हूं और यहां से हम आएंगे ऑनरशिप। ओके, अब गाइस यहां पर आपके सामने कुछ इस तरह का एक पेज आ जाएगा वेरीफाई वाला, ठीक है। यहां पर आपको वेरीफाई का बटन आएगा और आपके सामने कुछ इस तरह के कोड आ जाएंगे। तो आपको यहां पर HTML टैग इस कोड को यहां से कॉपी करना है और सीधा आना है ब्लॉगर के डैशबोर्ड के अंदर, और यहां पर आपको आना है थीम के अंदर। जब आप थीम के अंदर आते हो तो यहां पर आपको एडिट HTML के अंदर आना है, ठीक है। ओके, सो गाइस आप जब थीम पैनल के अंदर आते हो तो यहां पर आप देख आप एडिट HTML के अंदर जब आ जाते हो तो आपको हेड टैग के नीचे इस कोड को पेस्ट करना है, ठीक है। हेड टैग के नीचे इस कोड को आपको पेस्ट करना है। सो गाइज मैंने यहां पर मेरे कोड को पेस्ट किया, ठीक है। उसके बाद मैं यहां पर सेव बटन के ऊपर क्लिक करूंगा। तो आपको इतना तो पता है यार, हेड, ये जो हेड है ये अगर आपको नहीं मिलता तो आपको सिंपल कंट्रोल एफ दबाना है, ठीक है, और यहां पर हेड करके टाइप करना है और एंटर मारना है। तो आपके सामने फर्स्ट वाला येलो यहां पर शो करेगा, ठीक है। अब गाइस हम क्या करेंगे, ये मैंने यहां पर सेव किया। ओके, अब यहां से हम पीछे आएंगे, यहां पर हमने वो सेव कर लिया कोड, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहां पर आके वेरीफाई बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो मैं वेरीफाई बटन के ऊपर क्लिक करूंगा। ओके, तो आप यहां पर देख सकते हो मेरा जो HTML टैग है वो यहां पर वेरीफाई हो चुका है, ठीक है। तो आप यहां पर देख सकते हो डोमेन नेम मेरा यहां पर वेरीफाई हो चुका है, मैंने डोमेन नेम वेरीफाई किया है। वो वेल एंड गुड होता है डोमेन नेम वेरीफाई करना, पर ये मेरा ऑटो वेरीफाई हो चुका है क्योंकि मैंने उस हिसाब से सेटिंग की है यहां पर। तो आपको HTML टैग को खाली वेरीफाई करना है, डोमेन नेम को करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैंने यहां पर वेरीफाई किया, सक्सेसफुल वेरीफाई, ग्रीन कलर का डॉट आ चुका है। तो ये हो गई आपकी एक फर्स्ट सेटिंग, सबसे पहली वाली सेटिंग, ठीक है। अब गाइस यहां पर आपको क्या करना है, दूसरी सेटिंग ये करनी है कि आपका जो ब्लॉग का जो URL है इसे कॉपी करना है और कभी भी सबसे पहले अपने डोमेन नेम को यहां पर पेस्ट करके इसे आपको इंडेक्स करना है, ठीक है। तो मेरा ऑलरेडी यहां पर इंडेक्स है तो ग्रीन आएगा, पर आपका नहीं आएगा। तो आपको यहां पर रिक्वेस्ट इंडेक्स के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है, और उसे इंडेक्स कर देना है गूगल के अंदर, ठीक है। तो ये सेकेंड सेटिंग हो गई हमारी। अब जो थर्ड सेटिंग है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो कौन सी है, तो यहां पर आपको आना है साइट मैप के ऊपर, ठीक है। और साइट मैप यहां पर हमें एक क्रिएट करना है। तो साइट मैप कैसे क्रिएट कर रहे हैं, साइट मैप को यहां से कॉपी करता हूं, यहां पर पेस्ट करता हूं, एक यहां पर डॉट लगाना है, फिर XML ये आपको यहां पर टाइप करना है और सिंपली सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो ये हो गया मेरा यहां पर सबमिट। आज की डेट आप देख सकते हो 12 मार्च, यहां पर मैंने इसे सबमिट कर लिया है, ठीक है। 36 पोस्ट है मेरी, तो ये सबमिट हो चुका है। ओके, सो गाइज यहां पर होती है हमारी वीडियो खत्म। अगर आपको कुछ डाउट्स हो गूगल कंसोल के बारे में तो आप मुझे जरूर मैसेज करें, जरूर इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो करें, कमेंट्स करें। सो गाइज आपको यहां पर कुछ कहना चाहूंगा, मेरी जो ब्लॉग वेबसाइट है इसके अंदर अगर आप आते हो तो यहां पर बहुत सारे टूल वेबसाइट के पोस्ट आपको मिलेंगे। पर अगर आप एक मूवीज वेबसाइट क्रिएट करने वाले हो या टूल वेबसाइट क्रिएट करने वाले हो तो आप मेरे शॉप के अंदर जरूर विजिट करें, और यहां पर आपको लेटेस्ट मूवी पोस्ट यहां पर मैंने सिर्फ 200 रुपए में रखे हैं। आपको बस यहां से 200 रुपए में बाय करने हैं और अपने ब्लॉगर वेबसाइट के अंदर उसे इंडेक्स करने हैं, ठीक है। उसके बाद में यहां पर मैंने URL शॉर्टनर्स की एक ऐसी वेबसाइट क्रिएट की है जिस वेबसाइट के ऊपर मैं जरूर वीडियो लेके आऊंगा। इसका डेमो आपको देखना है तो आप जरूर इसे ओपन करके इसका डेमो देख सकते हो। उसके बाद में मैंने यहां पर टेक्निकल पोस्ट रखी है 500 रुपीज में, 400 पोस्ट अगर आप न्यू ब्लॉग क्रिएट करके अर्निंग करना चाहते हो तो ये वाली पोस्ट जो मैंने SEO के साथ यहां पर मैंने अपलोड की है, ठीक है। तो आप यहां पर जरूर विजिट करें। इसके बाद में मैं इसके ऊपर बहुत सारी चीजें लेके आने वाला हूं। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।